गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपनी ग्रामर की क्लास में आज फिर से मिल रहे हैं। और अब तक हमने एडवर्ब पढ़ लिए। एडवर्ब क्या होती हैं? जो भी वर्ब को, जैसे एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। हमने अब तक पढ़े हैं जो हमारे 6 टाइप के एडवर्ब्स थे। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कैसे कोई काम किया गया, हाउ एक्शंस टेक प्लेस। सेकंड हमारा था एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि हमें ये बताता है कि वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। थर्ड हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि हमें ये बताता है कि व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस। एंड फोर्थ हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें ये बताता है कि हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, कि कोई भी काम जो है वो कितनी बार हुआ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ पर्पस जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी काम जो है वो किस उद्देश्य से किया गया, जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, द रीज़न और एन एम ऑफ एन एक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि हमें ये बताता है कि एक एक्शन जो है वो कैसे एक्सटेंट होता है, उसका विस्तार कैसे हुआ। आज हम अपना नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ काइंड पढ़ेंगे जो कि है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। मोस्टली इनमें जो है चार टाइप्स के होते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन चार वर्ड्स को जो है मोस्टली हम क्या करते हैं, एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो, व्हाई आर यू ईटिंग सो मच टुडे, व्हाई आर यू ईटिंग सो मच टुडे। यहाँ पे व्हाई क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। वेयर इज़ योर ब्रदर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हेन डू यू प्लान टू लीव फॉर अमेरिका, व्हेन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एंड हाउ विल यू कम्प्लीट योर लेसन बाय इवनिंग, यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को या फिर एडवर्ब को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। और जो डब्ल्यू एच वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चंस बनाने के लिए एडवर्ब के लिए के रूप में काम में लिए जाते हैं वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। देखो जैसे व्हाई आर यू ईटिंग, तुम इतना क्यों खा रहे हो, ठीक है, तुमने इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हो, तो ये ईटिंग को क्या कर रहा है, व्हाई जो है ईटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्यों खा रहे हो। वेयर इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कहाँ पर है। व्हेन डू यू प्लान, आपने ये प्लान कब बनाया। हाउ विल यू कम्प्लीट योर लेसन, आप अपना लेसन कैसे कम्प्लीट करोगे, किस तरीके से, तो ये सभी क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। अब देखो इसके बाद मैंने ये जितने भी आपको 7 काइंड्स के एडवर्ब्स बताए हैं, इन एडवर्ब्स को लेकर के एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है, इस एक्सरसाइज को आपको कम्प्लीट करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स, चूज फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी है उससे रिलेटेड जो भी एडवर्ब भरे जाएंगे वो मैंने सारे एडवर्ब जो हैं आपको क्या कर दिए हैं, बॉक्स में लिख दिए हैं। इन बॉक्सेस में से आपको एक एक एडवर्ब जो करेक्ट एडवर्ब हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे नोट डाउन करना है। तो एडवर्ब्स देखो, टुमारो, अपस्टेयर्स, नीटली, क्विकली, ओनली, प्रोबेबली, ऑफन, इवन, डेफिनेटली, सर्टेनली, हैप्पीली, कम्प्लीटली, ऑलवेज एंड लास्ट जो है वो है स्लोली। हमारा सेंटेंस है फर्स्ट, पोलाइट पीपल से थैंक यू, जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। आई हैव हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। यू हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ही ऑलवेज वियर्स अ कोट, वो हमेशा एक कोट पहनता है इन समर। ही कैन डू अ थिंग लाइक डैट, उसके जैसा वही कर सकता है। आई हैव गॉट अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में मेरी एक मीटिंग है। शी गॉट ड्रेस्ड,
उसने ड्रेसेस पहन उसने ड्रेसअप किया है। दिस टाइम टुमारो, कल इस समय आई विल बी वर्किंग इन माई गार्डन, मैं अपने गार्डन में काम कर रहा हूँगा। इट विल रेन दिस इवनिंग, इट विल हो सकती है आज शाम को बारिश, आज शाम को बारिश हो सकती है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। आई फील बेटर टूडे, मैं आज बेहतर महसूस कर रही हूँ। माई ब्रदर फॉरगेट माई बर्थडे, मेरा भाई मेरा बर्थडे भूल गया। राइट योर आंसर्स, आप अपने उत्तर लिखिए। शी रीड द लेटर, वह पत्र लिखती है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं और ऊपर मैंने आपको उनके एडवर्ब्स दिए गए हैं। ये एडवर्ब जो हैं आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें फिलअप करोगे। आई होप कि आप आसानी से कर लोगे और इजी सी एक्सरसाइज है। और इसके बाद जो है कल हम अपना इसके आगे का ही नया टॉपिक शुरू करेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ पर होना चाहिए, ये सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।